और मिशन 2017 के लिए बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इंडिया वॉइस से खास बातचीत में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 10 जनवरी को चुनाव समिति की बैठक होनी है और आपसी सहमति और सहयोगी दलों से बातचीत के जरिए प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विशाल सिंह रघुवंशी ने। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ यूपी के प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। मौर्य जी, भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारियां हैं विधानसभा चुनाव को देखते हुए? चुनाव के लिए तैयारियां हमारी पहले से पूरी हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी विजय की ओर बढ़ रही है। प्रदेश में हम 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे और गुंडागर्दी करने वाले जितने भी अपराधी हैं, जो समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडे संरक्षण पाते रहे, भाजपा की सरकार आने के बाद उन गुंडों के खिलाफ इतनी सख्ती से कार्रवाई करेंगे कि वह गुंडे घूमते हुए नजर नहीं आएंगे, वो जेल के अंदर नजर आएंगे। अच्छा, पार्टी कब तक अपनी पहली लिस्ट जारी करती है, क्योंकि अब बसपा की भी लिस्ट आ गई है, तैयारी बसपा की भी है और समाजवादी पार्टी भी अलग दो धड़े हैं, उन्होंने भी अपनी अपनी लगभग तैयारी कर ली है। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी बहुत अच्छी हो गई है, बहुत तैयारी अंतिम चरण में है और बहुत जल्द हम लिस्ट को भी आपके मतलब आप सबको देने का काम करेंगे। 10 तारीख को यहाँ पर उत्तर प्रदेश की चुनाव समिति की बैठक हम लोगों ने बुलाई है। 10 की चुनाव समिति की बैठक के बाद आपको किस्त वाइज सूचियां उपलब्ध कराते रहेंगे। अच्छा, बसपा की आज लिस्ट आई है और चौथी लिस्ट आई है, लगभग उसमें मुस्लिम बहुत फोकस किया जा रहा है, खासतौर से मुस्लिम समाज को और ब्राह्मण समाज को जो है ज्यादा ध्यान दिखाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, कार्यकर्ता को प्राथमिकता और उत्तर प्रदेश में गुंडई करने वालों के खिलाफ, अपराध करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने वाली सरकार देगी, सुशासन देगी और उसमें विकास का एक नया युग शुरू होगा। अच्छा, सहयोगी दलों को लेकर जो थोड़ा सा दिक्कतों का सामना आना पड़ा, खासतौर से अपना दल की तरफ से अनुप्रिया पटेल भाजपा की तरफ से, उस पर कुछ बातचीत निकल के आ रही है सामने? नहीं, कोई गठबंधन के किसी सहयोगी के साथ कोई विवाद नहीं है। सीटों को लेकर के चर्चा करने की जो बात है, वो बात जिनको बताया गया वो सब आपस में बातचीत कर रहे हैं। न कोई विवाद था, न कोई विवाद है, न कोई विवाद होगा। अच्छा, आखिरी सवाल, क्या अब उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर लड़ा जाएगा? सीएम कैंडिडेट कोई नहीं होगा चेहरे के तौर पर? माननीय नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी में पूरे राष्ट्र के चेहरा हैं। वो तो भारत के प्रधानमंत्री हैं, विश्व के शक्तिशाली नेता हैं, वह एक अलग विषय है, लेकिन हमारा हर कार्यकर्ता चेहरा है। हर कार्यकर्ता इस समय सरकार बनाने के लिए सपा बसपा से यूपी को मुक्त कराने की लड़ाई लड़ रहा है। हमारे साथ थे उत्तर प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की यूपी के 2017 के विधानसभा चुनाव की पूरी तैयारी है और उनका हर कार्यकर्ता ही उनका चेहरा होता है। और इसी के साथ एक चीज ये साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी अपना रोड मैप तैयार कर चुकी है, बस इंतजार पहली सूची का।